हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज एक क्विक ट्यूटोरियल में मैं आपको एक 3D मॉडल बनाऊंगा। आज हम बनाएंगे एक जो कचरा बिन है वो आज हम बनाएंगे। हम उसको कैसे बना सकते हैं और उसमें क्या टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, बनाने में बहुत ईजी है और आप लोग बहुत इन्जॉय करोगे इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लेके आना है यहाँ पे सिलेंडर। जैसे आएगा इधर हमारे पास एड सिलेंडर में कुछ ऑप्शन है। ये जो वर्टिसेस है मैं इसको बढ़ाऊंगा 64 कर दूंगा, तो इसमें ये जो हर वर्टिकली वर्टिसेस है ये बढ़ जाएंगे, ये देखिए सही है। और फिर मैंने इसको एडिट मोड में इसी तरह थोड़ा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे चला जाऊँ, फिर यहाँ मूव के लिए जी कमांड, ऊपर की तरफ मूव करना है तो फिर जेड। ये देखिए मैं इसी एंगल पर आ गया, सही है। ये वर्टिसेस पे जा रहा हूँ, ये जो नीचे वाला साइड है इस एंगल से सेलेक्ट कर रहा हूँ सारे वर्टिसेस, और थोड़ा स्केल कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा इसी तरह बाल्टी की तरह नज़र आ जाए। अब ये तो हमारा बेसिक शेप बन गया। अब मैंने डिलीट करना है यहाँ इसका ये फेस, सेलेक्ट एंड डिलीट एंड फेस, सही है। ये डिलीट हो गया। अब मैंने कुछ हॉरिजॉन्टली कुछ लूप कट ऐड करने हैं कंट्रोल आर की मदद से, और इस तरह ऐड करने इतने ऐड कर दो ताकि ये जो आपको स्क्वायर स्क्वायर नज़र आ जाए। मैं यहाँ थोड़ा वाई एक्सेस पे चले जाता हूँ, फिर ऐड करते हैं नज़दीक से कंट्रोल आर, इतने ऐड कर दो ताकि ये थोड़े स्क्वायर शेप में चले जाए। मेरे ख्याल में इतनी काफ़ी है, सही है। क्लिक कर दो और फिर राइट क्लिक कर दो तो ये सेंटर में आ जाएंगे। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये जो ये वाला साइड है इसी मूव में जा रहा हूँ। मैंने कुछ ऊपर चुड़ने कुछ नीचे चुड़ने इसी तरह ये सेलेक्ट करना है ये एरिया, सही है। तो मैंने क्या करना है, ये जो एरिया अब मैंने अगर मैं इसी तरह सेलेक्ट कर दूँ वाई पोजीशन पे तो पीछे वाला सेलेक्ट नहीं होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया भी था कि यहाँ से एक्स रे मोड पर लाजमी जाना है। एक्स रे मोड में आप जितना भी सिलेक्शन करोगे तो वो हर साइड से सेलेक्ट होगा, ये देखिए सही है और बिल्कुल करेक्ट भी होगा। तो एक्स ये से मूड में आ गया, वापस इसको आप कर दो ताकि आप फिर सही नज़र आए। मैंने एक रो और भी मैंने सेलेक्ट करना है, तो इसी तरह भी कर सकते हो कि आल्ट के साथ ये आल्ट और शिफ्ट दोनों को होल्ड करके क्लिक कर दो इस पर, सॉरी कंट्रोल आर, यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर दो, आल्ट शिफ्ट और क्लिक कर दो, इसी एंगल पे क्लिक करो ताकि इसी तरह सेलेक्ट हो जाइए, सही है। और एक नीचे से भी सेलेक्ट कर दो, ये इसी एरिया पे क्लिक कर दो, एक और भी सेलेक्ट कर दो, सही है। ये तो हो गया हमारा सिलेक्शन। अब मैंने क्या करना है, हर पेस को इंसर्ट कमांड की मदद से हम इनसाइड इंसर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, कीबोर्ड से आई का बटन प्रेस करो, जैसे हम प्रेस कर देते हैं तो देखिए कुछ नहीं हो रहा क्योंकि आई को दोबारा भी प्रेस करना है, तो अभी ये लोकल नहीं हो रहा, अभी ये सारे एक साइड पर हो रहा है। अगर मैं आई को दोबारा प्रेस कर देता हूँ तो हर पेस अपने अपने एरिया में या अपने अपने लोकल एरिया में ये इंसर्ट होगा, ये देखिए सही है। बस इतना करो, ये ज़्यादा करना भी नहीं, बस इतनी ठीक है, सही है। और सिलेक्शन ख़त्म नहीं करना, यहाँ से अपने कीबोर्ड से डिलीट पेसेस, ये देखो आपका बन गया एक शेप, सही है। अब जल्दी जल्दी से आप क्या करो इस पर, ये जो एरिया है ना ये वाला एरिया, इसको ऐसे सेलेक्ट कर दो या इसमें ऐसे कर दो ना कि थोड़ा अप वाला साइड इसका ये एरिया, सही है। इसी तरह मैंने इसका एज सेलेक्ट कर दिया और एक्सट्रूड और फिर जेड एक्सेस पे, ज़्यादा नहीं बस इतना, फिर स्केल करना है ये इस साइड पे, फिर एक्सट्रूड करना है नीचे की तरफ पर जेड एक्सेस में, सही है। और फिर मैंने एक्सट्रूड करना है नीचे की तरफ से और फिर इसको स्केल करना है इसी तरह, ये देखिए तो ये एक शेप बन गया बाल्टी का। ये देखिए इन अंदर की तरफ आया, सिलेक्शन अभी ख़त्म नहीं है, थोड़ा वापस स्केल करो बाहर की तरफ ताकि नज़र भी ना आ जाए, सही है। ये तो बन गया आपका एक बाल्टी का शेप। अब इसको कलर दे दो और ये देखा इसको, और इस पर राइट क्लिक करके थोड़ा स्मूथ कर दो, ये देखो स्मूथ हो गया। और यहाँ से ये जो तीन डॉट है इस पे आ जाओ और ये नॉर्मल पे क्लिक करो ताकि स्मूथ इस तरह आ जाए, ये देखिए सही है, बहुत ज़बरदस्त बन गया। अभी क्या करना है, हमने मटेरियल व्यू पे जाना है,
मटेरियल व्यू के बाद हमने जाना है ये मटेरियल प्रॉपर्टीज, यहाँ से न्यू ले लो और फिर एक ज़बरदस्त सा कलर दे दो। ज़्यादा मेरी तरह ज़्यादातर शौक कलर नहीं दिया करो, थोड़ा ये कलर, ये भी ठीक है, ज़्यादातर ब्लू कलर के होते हैं, क्लिक कर दो फिर कलर चेंज करो, थोड़े इसी तरह ब्लू कलर के होते हैं, चलो जैसे भी है। और थोड़ा सा ये रफनेस कम कर दो ताकि नहीं ज़्यादा नहीं तो, और मेटालिक थोड़ा ऐड कर दो कि कैसे नजर आए। सही है, अभी कंट्रोल सी कंट्रोल वी की मदद से कॉपी ले लो एक यहाँ इसी तरह, और इसका कलर चेंज कर दो रेड पे लेके आओ, इसका कलर चेंज कर दो इसे ऑरेंज पे लेके आओ, जो भी आपको पसंद है। सही है, तो ये क्विक ट्यूटोरियल है सिर्फ सीखने के लिए कि ऐसी चीज़ें कैसे बनाएंगे। सिर्फ आपने आइडिया रखना है, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसे बास्केट ही बनाओ। मैं आप लोगों को वही चीज़ सिखाऊंगा और वही चीज़ से मॉडल बनाऊंगा जो आप पहले दिनों में जब बंदा स्टार्ट कर लेता है तो ब्लेंडर में इतना आसान नहीं है कि काम कर सके। तो ये ऐसी आसान चीज़ है कि आप आसानी से बना सकते हो। अगर आप कोई चीज़ बना सकते हो कोई मॉडल, तो आपका दिल करेगा नेक्स्ट क्लास के लिए, और आप लोग दिल से सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आज के क्लास में यही काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हाज़िर हो जाते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।